नेगेटिविटी कभी माइंड में नहीं आती थी सत्संग सुन के, हमेशा कॉन्फिडेंस अप 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 ही रहता था हर काम में। हाँ, हमारे गुरुजी कर सकते हैं तो हम उनके बच्चे हैं, हम भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं परविंदर कौर, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेरा सच्चा सौदा के बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। क्या सच डेरा सच्चा सौदा का? मेरे साथ एक यूथ, आज रियल फैक्ट कोई सूत्रों के मुताबिक आपको नहीं जानकारी देंगे, खुद सच बोलेंगे डेरा प्रेमी अपनी जुबानी। सर, आपका नाम? साहिल मेहता जी। साहिल जी, आप डेरा सच्चा सौदा में जाते हो, कितना टाइम आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो गया? मेरे पेरेंट्स जन्म से ही जुड़े हुए, मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही वहीं जाते थे तो मैं जन्म से ही वहाँ जाता था जी। नेगेटिविटी कभी माइंड में नहीं आती थी सत्संग सुन के, हमेशा कॉन्फिडेंस अप 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 ही रहता था हर काम में। हाँ, हमारे गुरुजी कर सकते हैं तो हम उनके बच्चे हैं, हम भी कर सकते हैं। हर काम में हम भी आगे रहते थे, हर चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, हर काम में गुरुजी की प्रेरणा को पाकर हम हमेशा ही लीड करते थे। जिस तरह गुरुजी हमें सिखाते थे किस तरह से मेडिटेशन करना है, नशों का सेवन नहीं करना है, हम तो लोगों की बुराइयाँ भी छुड़वाते थे और उनकी फैमिलीज़ भी खुश हो जाती थी। देखिए, आज के टाइम में वैसे भी हम हर वीकेंड्स हर मंथली जाते ही हैं, मूवीज़ के चले गए, कहीं और चले गए, एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते ही हैं। तो जो हम गुरुजी की मूवीज़ देखते थे उसमें ट्री प्लांटेशन करना, किस तरह से बहनों माताओं की इज्जत बचाना, ये सब सिखाया जाता था जो आजकल की मूवीज़ में देखने को नहीं मिलता, बिल्कुल साफ़ सुथरी। बल्कि हमारी तो फैमिलीज कहती थी, जाओ बेटा मूवी देख के आओ, एक बार क्यों देख के आओ, अब दोबारा जाओ अपने दोस्तों को लेके जाओ, ऐसा होता था। बाकी मूवीज़ में ऐसा देखने को नहीं मिलता और पेरेंट्स रोकते हैं। जब गुरुजी थे तब जो लोग नशा करते थे हम उनको लेके जाते थे, उनका नशा छुड़वाते थे, गुरुजी की बातें बताते थे। आज अगर वो नशा करते हैं, अगर हम उन्हें कहते हैं कि नशा मत करो तो वो रुकते ही नहीं है, वो नशा करते हैं। पहले तो वो गुरुजी की बात मानते थे, सुनते थे, लेकिन अब वही नशा बढ़ता जा रहा है। जो नशे करते थे वो पहले तो हटते जाते थे, उनकी फैमिलीज परेशान हैं, सब सारे सामाजिक कार्य रुक चुके हैं। जितनी सुरक्षित महिलाएं डेरा सच्चा सौदा में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारी खुद की पूरी फैमिली जाते हैं, मेरे मम्मी, मेरे सिस्टर, मेरे दादी, सब, इवन मेरे बुआ उन्हीं या मामा उन्हीं, सब वहीं जाते हैं ए टू जेड। और जितनी महिलाएं डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित हैं वो कहीं भी नहीं है जी। सर, और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? कि जल्दी गुरु जी को सम्मानित सही रूप से बाहर ठहराए, और गुरु जी बिल्कुल निर्दोष हैं और सच जल्दी सबके सामने आ भी जाएगा जी। थैंक यू सो मच सर जी। जैसा कि आपने देखा, एक नौजवान जो डेरा सच्चा से बहुत लंबा टाइम इनको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हो गए।